आलू डालने की मतलब चीजें बता दे की मैं डालूंगा मैं, लेकिन नहीं नहीं रिजा, अरे मुझे आलू का तो नहीं पता ना। तुम्हें सैंडविच, तुमने कहा था सैंडविच। सैंडविच के अलावा तुम्हें क्या बनाना आता है? मैगी। मैं इसकी हेल्प नहीं करना, आलू का तो आलू बस बता दे। और ये यहाँ पे पापा की चाय बन रही है और मैं एक ही खाऊंगी, ठीक है? और तुम्हें, ओ शिट, वाह रिजा, तुमने कुछ पढ़ा भी है साइंस में? इतने आलू में कितने सैंडविच बन जाएंगे? जितना अच्छे से बनाना, सब देख रहे हैं, दुनिया तो में देख रही है इस वक्त, पूरी दुनिया की नजर सिर्फ रेहान पे है और देखते हैं कि रेहान सबकी उम्मीदों पे खरा उतर पाता है कि नहीं उतर पाता है। रो रहा है क्या? क्या निकाल रहे हो? खीरा टमाटर निकाल रहा हूँ। और ये देखो, ये फ्रिज में रखा था बेटा, तुम्हें पता है कितनी कीमती चीज है? आवा की धनिया है, धनिया पूरी ना। इतने में थक गए क्या? कुछ नहीं, क्या चाहिए था? ये चॉकर पाउडर। अयो यार, तुम भी एक केस हो सच में। हाथ धो के आओ, सर का पसीना ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, जाओ हाथ धोता धोता मैं पीछा करती। अरे कम से कम रिहान ने ची लाइट लगाई है, जल जलाना भी तो चाहिए ना। अरे वो क्यों नहीं आ? छीलना काटना आता है कि वो भी नहीं आता? अरे तवा भी तो लगेगा। तब भी तवा का है, रिजा कुछ हेल्प नहीं करेगी, तवा का काम नहीं अभी। पहले अरे सेकना तो पड़ेगा, मेरा सेक क्या सेक ला दे? तो पहले छील काट तो लो। पर कहीं हटाऊं? अंदर काटाते, अगर किचन गंदा हुआ तो देख लेना। किचन तो गंदा हो गई यानी इतनी अच्छी प्लेट गंदी कर रहे हो। अच्छे सैंडविच खाने हैं तो फिर करना तो पड़ेगा। हाथ बचाना, सारा निकालोगे तो इसको भी काटना पड़ता है। नहीं ये नहीं काटते हैं। अरे ऐसे नहीं, और ध्यान थोड़ा। मैं तो ठेले वाले की तरह गंदगी कर रहा हूँ। खीरा टमाटर कट चुके हैं और ये कह रहे थे कि आप प्याज मत खाओ। ये आप लोग किस में जाएगा? मेरे इसमें नहीं। हाँ हम लोग के लिए चाहिए। छील लो तो उसे, इसको धो लूं। प्याज कैसे काटते हैं? प्याज ऐसे ही काटते हैं, गोल कटती है। गोल कैसे कटती है? गोल गोल कटती है। गोल गोल कैसे कटती है? उसको रखा ही गलत तरीके से। अच्छा ऐसे करना चाहिए। हाँ। ठीक है, खा लेना, तो टेस्ट आना चाहिए। तो फेंक दिया तो बुरा लग जाएगा। अल्लाह को बुरा लग जाएगा। प्याज की आंखें होती है तभी तो प्याज रोती है। मुश्किल में लग रहे हो इतने शेफ साहब, सॉस नहीं मिल रहा, अरे मारे बच नहीं पाता। भाभी के पास वो सो रही अभी, और मैंने भूल लिया कहीं मिले नहीं है, उनके पास भी नहीं होगा। वैसे भाभी के यहाँ सॉस होता है, एक रेहान और एक भाभी। इनके पास तो सॉस मिलना ही चाहिए। पूरी तुम चेक करके आओ। अभी क्या डाल रहे हो? आलू। कैसे लग रहा है अपने बेटे को काम करता देख? खुशी लग रही है, अच्छा बना। लड़कों को भी काम करवाना चाहिए, लड़कों को भी कुकिंग करनी चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। खानू तुम्हें कभी कुछ बना के खिलाया पूरी जिंदगी में? जितना बन जाता है। खाने में क्या बनाया उन्होंने? खाने में दाल बनाई, चावल बनाए, खिचड़ी बनाई, जो रोटी कभी कभी बनाई। अच्छा, कभी जैसे थक जाते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, ज्यादा काम रहता है तो फिर बना देते हैं। अरे वाह भाई, सही है। खालू अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वाह भाई वाह। थैंक यू सो मच रेहान, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। बना कैसा सैंडविच? ये हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत दिनों में खाया है ना, वो भी रेहान के हाथ का। माँ कैसे? बहुत अच्छा है बेटा, अच्छा। रेहान ने बनाया है। हाँ रेहान, वी आर प्राउड ऑफ यू। ऐसे हेल्प करते रहा करो कभी कभी, ठीक है? रिजा हेल्प की उसकी? हाँ थोड़ी थोड़ी करी, बाकी पूरा उसने बनाया। जितने अच्छे सैंडविच बनाए ना, एकदम सिंपल से, लाइट से, और बहुत ही यमी और टेस्टी से सैंडविच, वैसे जैसे मुझे पसंद है। तो रेहान सबको रेसिपी बताने के लिए रेडी रहना। उसके बाद हम लोग गए स्टेशनरी, रिजा को वहाँ से कुछ लेना था, कुछ ग्रीटिंग बनाना है, टीचर्स डे आ रहा है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, मैं वर्कआउट के लिए जा रही हूँ तो रिजा मुझे छोड़ने जा रही है। बहुत बारिश हो रही थी, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ नहीं आ रही थी ना, आप गवाह हो। हाँ। और अभी मैंने बस फोन उठाया, मशीन चालू, हास होता है लेकिन दरवाजा बंद, उनको क्या पता। सही बात है, एक
सोचने का होता है। चलो ले खजूर लाइए खाओ लो। फ्रेंड्स और नेक्स्ट डे हो गया, कल हमने रेहान के सैंडविच खाए थे जो कि रेहान ने बहुत ही अच्छे बनाए थे, और उसके बाद हमने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया। बोलू कि नहीं बोलू, आवाज आ रही है आपको? और तेज बजा लो उनसे कहते और तेज कर ले। तो आज दिन भर बारिश होती रही है, तो मैं सिर्फ वर्कआउट के लिए गई थी आज, फोटोशूट कुछ भी नहीं किया, तो आज रेस्ट मिल गया था। लेकिन सोचा चलो थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं, आज कर्टन्स आ जाएंगे। कर्टन वाले भैया को फोन किया था, वो कह रहे आ जाएंगे, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ, आपको भी दिखा दूंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं रेहान को छोड़ने, और अभी हमारा लंच तो हो चुका है, मैंने क्या खाया था मैं उसकी फोटो लगा दूंगी। और अभी मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफी, और उसके साथ मीठा खाने का तो मन करेगा, लेकिन ज्यादा मीठा नहीं खा सकते हैं, तो इत्तेफाक से अम्मी खजूर खा रही थी, भाभी लेके आई, तो अम्मी कह रही है खजूर खा लो। तो कॉफी और खजूर जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, मतलब ब्लैक। अब पीछे भी चालू हो गए आगे कमी थी जो पीछे भी चालू हो गए। फ्रेंड्स ब्लैक कॉफी और खजूर का कॉम्बिनेशन मीठा और कड़वा बहुत ही अच्छा लगता है, तभी मैं वो इंजॉय करूंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छी हो रही हूँ जिम जाके। अच्छी लग रही हो मम्मी? हाँ, मतलब अम्मी वो जो फ्रेशनेस रहती है ना, हाँ, सही है, मतलब सही। आपका मन अच्छा रहता है। सही, अच्छी ये जरूरी। थैंक यू मम्मी, आप तो हमेशा अच्छी लगती हो, आपके तो सब दीवाने हैं मम्मी। हम भी उनके दीवाने हैं, मोहब्बत करते हैं, दिल से दुआ देते हैं। 3 मिनट बचे हुए, चल रहे हैं। अरे मतलब यहाँ से 5 मिनट जाने में, फिर 5 मिनट नीचे में बैठने में, फिर 10 मिनट वहाँ पहुँचने में, फिर 5 मिनट जूते फाड़ने में, 10 मिनट वर्कआउट करने में, उसके बाद फिर वार्म अप, फिर ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस, फिर कोचिंग, इतना टाइम लगे। चलो जल्दी चलो। देखा सही कह रही है कि किट बैग छोड़ देना, लेकिन फोन मत छोड़, फोन छोड़ दो चलेगा। अल्लाह चल रहा है नहीं सीधा करो। देखो फ्रेंड्स गीला है तो रेहान नहीं जा रहा है, मुझे ही बैठा रहा है, ऐसा नहीं होता भैया। कोई कपड़ा है क्या? थोड़ा सा खोल दो, मुंडी तो झुका दो, बैठो। ये दिन भी देखना पड़ेगा, नहीं पता था कॉस्ट्यूम गंदी हो जाएगी। अरे कहां गंदी हो रही है, कॉपी साइड करो। अच्छा वो सफेद नहीं पहन के आया रेहान, इतना भी नहीं होता, नहाना ही नहीं चाहिए। हाँ फिर बारिश में मत निकला करो। नहीं कोचेंगे तो हर हाल में नहाना चाहिए। सैलून आ गए, यहाँ पे मैं अपनी थ्रेडिंग कराऊंगी, उसके बाद हम लोग घर गए। जन्माष्टमी था शायद, उसकी वजह से वहाँ का स्टाफ जो है थोड़ा ड्रेसअप था। क्या खा रही हो मम्मी? अभी अमरूद। अमरूद मुंबई में कहते हैं पेरू, मोदा हम बोलते हैं। भी अच्छी बगिया मलागी। अम्मा अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी है बेटा, थोड़ी थोड़ी पिंक है। मम्मी का कपड़े का स्टैंड था, वो स्टोरीज डालने के काम आ रहा है, और जो मैंने मंगाया था अपने लिए वो कपड़े सुखाने के काम आ रहा है। फ्रेंड्स मैं अपनी आईब्रोज जो है वो सेट करा के आ चुकी हूँ, अपर लिप्स भी करा ली है। आज आपने देखा होगा मैं दूसरे सैलून गई थी, मोस्टली हम लोग यहाँ पे मीरा रोड में जब है तो हम लोग एनरिच जाते हैं, काफी अच्छा है वो, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने सोचा कि हम एक ही जगह जाएंगे तो जो दूसरे लोग खोल के बैठे हैं थोड़ा उनको भी मौका देना चाहिए, जैसे कल को कोई मैं अपनी चीज खोलूं तो मेरा भी मन करेगा ना मुझे भी आके ट्राई करो। तो कभी कभी ट्राई करने हर जगह चले जाना चाहिए, क्योंकि सबका काम चलता रहे, सबका भला होता रहे। हम लोग जाने लगे ऊपर, क्योंकि जो इसकी टीचर है उन्होंने बोला कि व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रीमिश है तो हम ऊपर खींच लेंगे। इसके बाल गीले हैं तो हमारे पास अभी ड्रायर भी नहीं है, तो हम ऊपर ही सुखा लेंगे और इसकी फोटो खींच लेंगे, और फिर पापा से भी मिल लेंगे, थोड़ी देर वहीं बैठेंगे, उनका फिजियो सेशन चलेगा, उसके बाद नीचे आएंगे। बड़ा अच्छा गाना आ रहा है, यही वाला सुनाओगे? नहीं ये नहीं, लाल दुपट्टा। ये कौन सी मूवी का है? मुझसे शादी करोगी, इतनी अच्छी खींच दी कि पासपोर्ट वाले भैया भी नहीं खींच पाएंगे। तुम क्या कहना चाहती हो मेरी फोटोग्राफी स्किल्स के बारे में? अरे बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको लेके आ गए हैं, कैसी थी कोचिंग? बहुत अच्छी है, उसको कामयाबी दे, उसको शौक है। सही बात है, जुनून है तो अल्लाह से थोड़ी बहुत कामयाबी, ज्यादा भी दे दे लेकिन थोड़ी बहुत तो दे ही दे। सब अल्लाह के ऊपर होता है कि नहीं? देखो सब लोग कोशिश करते हैं, ये हर चीज दिमाग है ना, कि एक चीज पकड़े बैठे। हाँ खेल रहा है, पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगता है, लेकिन करता तो हाँ ठीक है। नहीं थोड़ा अम्मी बोलो ज्यादा पढ़ाई करो, और ज्यादा पढ़ाई करो, और अब जो उसके बाद जो वक्त मिले ना तो और कुछ भी सीखो अपना।
ऑल द बेस्ट रेहान. थैंक यू फ्रेंड्स को ऑल द बेस्ट बोल दो और बोल दो कि थोड़ा पढ़ाई भी करता है. कर तो रहा हूँ ना. फर्स्ट नहीं आओ अम्मी. कभी अपन ने फर्स्ट के लिए कहा? नहीं, नहीं, आज तक तुम्हें प्रेशर डाला तो मैं बोल रहा हूँ कर लूंगा पास. पी 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 पास. ठीक है पता नहीं वो कीचड़ जम गया होगा बारिश का मौसम. फ्रेंड्स मेरी एक फ्रेंड है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा है कि वो ढूंढने की कोशिश करेंगी तो मेजर करके दे दो. तो मैं इसको मेजर करके बता रही हूँ ये कनेक्टर को. अभी तो अम्मा से क्या कह रही थी, दुकान से क्या ले आओगे? कौन सी दुकान से? डिक्शनरी. कहाँ होती है डिक्शनरी? नहीं पता. डिक्शनरी क्या है? ये कॉपी वॉपी मिलती है. उसे कहते हैं स्टेशनरी. स्टेशनरी. हाँ. अच्छा हम कहते हैं डिक्शनरी. हाँ. याद रहेगा. हाँ. फ्रेंड्स हमारे न्यू कर्टन्स आ गए हैं और अम्मी को कोई इतने खास नहीं लग रहे हैं. क्यों नहीं अच्छे लग रहे अम्मी? कलर नहीं अच्छा लग रहा. अम्मी लाइट कलर में नहीं अच्छा लगेगा फिर वो रूम. तो डार्क में बहुत साफ़ी ले. येलो तो है. डाले येलो तो पुराने हो गए. ये नया कलर चला है. चलो फिर डालो फिर देखेंगे कैसा लग रहा. ठीक है. नहीं अच्छे लगे. अच्छे लग रहा. अच्छे लग रहे. मैंने सोचा है कि एटलीस्ट ट्राई करूं जितने टाइम खा पाऊं. दोनों टाइम नहीं हो पाएगा लेकिन जितने बार खा पाऊंगी टाइम रहेगा बना पाऊंगी तो मैं जवार की रोटी खाऊंगी. तो आज मेरे पास टाइम था तो आज मैं जवार की रोटी बना रही हूँ. भी ऐसी हो गई और ये भी टूट गई डालने में. तो ये मेरा जो डिनर है वो तैयार है. मेरी रोटियों के बारे में क्या कहना चाहती हो? अच्छी है. अच्छी है. बहुत अच्छी बना रही है. तुम लोग क्या कहते हो इसे? जुंडी. अच्छा पहले बहुत बनाई है. मदा में? हाँ, बनाई है. मम्मी भी बनाती थी जब बजिंदा थे बहुत पहले. अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोलते हैं जवार की रोटी और बेटी का लोग बोलते थे जुंडी की रोटी. हाँ. और डिनर के बाद मैं सारा के मग में अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ. लोग आ गए वॉक करके और अभी बाहर आज बहुत बारिश थी. मतलब बारिश रुक गई थी लेकिन बहुत चिपचिप था तो ज्यादा वॉक नहीं हो पाई है. और यहाँ पे देखो अम्मी वॉक पे नहीं आ रही. क्या देख रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ. अच्छा लगता है. टहलने नहीं आई और आप ये देख रही हो. बंदर. मतलब उनका वो है तो बंदर. हाँ. लेकिन ये देखो वो कितने अच्छे हैं. एक आवाज में सुनते हैं. अच्छा. कोई इंसान की बच्चा नहीं सुनेगा एक आवाज में. वो एक आवाज में कटोरी प्लेटें. अच्छा. बर्तन पूरा अपना साबुन सर्फ नहाने का पानी सब रखते हैं. अच्छा. है किसने कैसे सीखे वो बंदर. अभी यहाँ पे फाइनली पर्दे आ जाएंगे जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था. और साथ साथ हम लाइट्स भी लगाएंगे. हमने अमेजोन से मंगाई थी वो भी हम आपको दिखाएंगे. मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना लाइट. मेरा बस चले तो मैं हर जगह हर कोने में हर चीज में मतलब मुझे पसंद है कि मैं मिरर के साइड में भी लगा दूं. लेकिन जो सेल वाली आती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती. मतलब बहुत ज्यादा रोशनी नहीं करती है और हर जगह आपको सॉकेट मिलते नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लगा पाती. ऊपर जो भी काम चलेगा ना मैं बोलूंगी हर जगह ऐसी फिटिंग करो कि जहां पे बहुत सारी लाइट्स हो. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि आप सबको भी लाइट्स बहुत ज्यादा पसंद होंगी. लाइट्स एक अलग ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगती है. वो चीज सिंपल चीज भी बहुत अच्छी लगने लगती है. ये लाइट भी कितनी अच्छी लग रही है. ये भी लाइट वाला है. मैं आपको जला के दिखाती हूँ. अम्मी देखो ये कितना अच्छा है. इसे मेरा नाम लिखा है. सबा. हाँ सबा इब्राहिम. ये भेजा है. अच्छा. ऐड के लिए आया था. और इसमें लिखा है हम सबकी आप मतलब इंस्पिरेशन हो. इंस्पिरेशन में क्या बोलेंगे? मतलब आप सब आपको देख के हमें सीखने मिलता है बहुत कुछ. सही, ऐसा सही. अच्छा है ना ये? बहुत अच्छा है. और अभी कुछ दिनों से मैंने रात में फिर से कहवा पीना स्टार्ट किया है तो मैं बस वही बना रही थी. ये है हमारे न्यू पर्दे जिसका मुझे बहुत ज्यादा दिन से इंतजार था. मुझे नहीं पता कि ये हमारे रूम के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है लेकिन मुझे ये कलर चाहिए था. मुझे लग रहा है कि इसके इसमें जो फोटोज है वो बहुत अच्छी आएंगी. तो हम इसे किस तरह लगाएंगे और साथ में ये लाइट्स जो मैंने आपको बताई थी हमने अमेजोन से ऑर्डर की थी वो भी हम गले से लगाएंगे. तो अभी ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसे यहीं पे एंड करते हैं. कल हम इंशाल्लाह लोखर वाला भी जाएंगे. वहां से हमको लेके आना है लैम्प. तो फिर प्रॉपर ये रूम सेट हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे. अभी के लिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं. अपना ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए और आप सबको बहुत सारा प्यार. अभी भी मुझे वो कनेक्टर नहीं मिला है. बहुत सारे लोग मुझे लिंक भेजते हैं लेकिन वो इस तरह नहीं मिल रहा है. साइज भी नहीं पता चल रहा है और शायद वो बहुत ज्यादा बल्क में मिल रहे हैं. तो अगर 3-4 का सेट भी होता तो मैं ले लेती लेकिन इतना ज्यादा मैं क्या करूंगी. तो काफी लोग अपनी अपनी जगह पे देख रहे हैं अपनी अपनी सिटी में कि मिल जाएगा तो मुझे कुरियर कर देंगे. तो अभी देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट व्लॉग में. मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी. अभी के लिए अल्लाह हाफिज़. और ये है मेरा रात वाला कॉर्नर. यहीं पे मैं सो भी जाती हूँ. यहाँ पे मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ अपनी बाकी काम भी कर लेती हूँ. ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.